वो दलितों का दुश्मन होता है, उसका शोषण किया है, तो आप कैसे साथ में? आपका प्रश्न गलत है, आपका प्रश्न गलत है। ये प्रश्न आप जाकर के उसके परिवार से पूछिए, उसके भाई से आप पूछिए कि भैरव सिंह कौन है। भैरव सिंह पल्लवी का भाई है। भैरव सिंह हिंदू के प्रत्येक हिंदू समाज में जन्मने वाले प्रत्येक जाति के प्रत्येक व्यक्ति का भाई है। उसने जाति विशेष पर भी आरोप लगाया था। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, वो आरोप लगा रहा है, जिनके ऊपर आरोप लगाएंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। जो गलत किया है उसको आरोपी बनाना ही चाहिए, कैसे नहीं बनाएंगे आरोपी? जो गलत किया वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसके विरोध में खड़ा रहूंगा। हमारी बहन है और वो पूरा परिवार मेरा अपना परिवार है। आपको आपको कौन बता दिया कि हम राजपूत हैं, कि हम भूमिहार हैं? हम बोलते हैं कि हम डोम हैं, हम बोलते हैं कि हम 90 रुपया का औकात नहीं था, भीख मांगता था बचपन में, चला थोड़ा सा हम लोग वैल्यू दे दिया हमें, हमारे हिंदू समाज लोग तो बेटा बहुत बड़ा हीरो बन गया। इन लोग महामूर्ख लोग हैं, केवल धर्म का अपमान करने का काम कर। शाहरुख खान के फैंस का कहना है कि शाहरुख खान के फिल्म का विरोध 2 करोड़ के लोग कर रहे हैं और शाहरुख खान का घर 500 करोड़ का है और झुग्गी वाले उनका विरोध कर रहे हैं। जो 500 करोड़ का घर बनाया ना, वो हम लोग पॉकेट से पैसा लगा, हम लोग जाते थे फिल्म देखने, भीख मांगा है, हम लोग पैसा भीख देखना बंद कर देंगे ना तो उसका औकात खत्म हो जाएगा। 500 करोड़ का बात करता है जी, हम भी उसका बम्बई घूमने गए थे, बम्बई हम भी घूमने गए थे, हमको बोला गया टूरिस्ट वाला शाहरुख खान का घर दिखाएंगे, हम लोग कौन बेवकूफ आदमी घर दिखा करेंगे साला चोर का। हम सिद्धिविनायक मंदिर के गणेश जी को प्रणाम किए, वहां पर देखो समुंदर का बीच में भी है, समुंदर का बीच में भी वो है कोई धर्म का, वहां बोला भैया चलिए वहां माथा टेकने, मिले हमारे गणेश जी कम कमजोर, बजरंग बली कमजोर भाई, हम बजरंग बली पास जाएंगे कि हम फलनवा के पास जाएंगे। आज जो हमारे साथ व्यक्ति मौजूद हैं, इनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है और हिंदुओं के काफी बड़े हितैषी इनको कहा जाता है, और भगवा रक्षक दल के साथ इनके साथ काफ़ी सारे युवा जुड़े होते हैं जो कि हिंदुओं के हित की बात करते हैं, और हिंदुओं के साथ जहां भी कुछ भी समस्याएं आती है वे वहां पर ये जा कर के खड़े होने का काम करते हैं। अभी हम इनसे बात करने आए हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। इनका नाम भैरव सिंह है जो कि झारखंड का एक बहुत बड़ा नाम है, और आपको बताते चले कि अभी पठान फिल्म जो आई है, या फिर पल्लवी की जो हत्या की गई है, या रूबिका की जो दिलदार द्वारा, मोहम्मद दिलदार द्वारा 50 टुकड़े किए गए हैं, आज हम इन पर इनसे कुछ कड़े सवाल करेंगे और आशा करेंगे कि आप उसका अच्छे संतुष्टिपूर्वक जवाब देंगे जिससे दर्शक संतुष्ट हो सके। अभी ये रूबिका की हत्या हुई है, मोहम्मद दिलदार ने उसके 50 टुकड़े किए, अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा की हत्या हुई थी, 35 टुकड़े किए गए थे, क्या हिंदू समाज की बेटियां ऐसे ही कटती रहेगी? देखिए, हिंदू समाज में और जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज की बहन बेटियों को मूवी के माध्यम से और इंस्टाग्राम फेसबुक में चलाने वाले रील्स के माध्यम से गुमराह करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसके कारण हमारी बहनें भटक जाती हैं, और जो बहनें भटकती हैं उनके साथ इस प्रकार की दुर्घटना घट जाती है। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके आग्रह करूँगा अपनी बहनों से कि आज भी इतने सारी समस्या आप आँख से देख चुके हैं, चाहे वह हमारी बहन रूबिका पहाड़न का विषय हो, चाहे वह श्रद्धा का विषय हो, चाहे अन्य भी पूरे भारतवर्ष हर एक राज्य में कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटना घटती है जहाँ हमारी हिंदू बहन को टारगेट करके या तो उनका बलात्कार कर दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा आज भी इस विषय को देख करके आप जरूर जागे। अच्छा, ऐसी मानसिकता कैसे आती है कि कोई किसी के 50 टुकड़े कर देता है, और उस धर्म में ऐसा क्या है कि क्या सिखाया जाता है? देखिए, अब इस प्रकार की शिक्षा तो उनके बचपन से ही शुरू हो जाती है कुछ लोगों की। अब बचपन से ही जिनको छोटे छोटे बच्चे के हाथ में दे करके बकरा का गला काट करके उसको तड़पते हुए सामने मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उनको देख देख करके अभ्यास हो जाता है बचपन से ही कि कितना भी तड़प तड़प के मरेगा इनके लिए बहुत अच्छा बात है वो। वैसे ही हमारी बहन रूबिका पहाड़िन को हत्या करने के पहले उसको उसके शरीर से पूरे मांस को छील दिया गया था, पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद 50 टुकड़ों में उसके शरीर को काटा गया, 36 टुकड़ों में हमारी बहन श्रद्धा को काटा गया, हमारी बहन अंकिता को दुमका में घर में घुस करके जिंदा जला दिया गया, बाद में तड़प तड़प के वह मर गई इंसाफ मांगते हुए, लेकिन आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। उसका कातिल जब पकड़ाता है तो वह मुस्कुराते हुए आता है कैमरे के सामने कि बहुत बड़ा हीरो वाला काम किया, उनको इस काम करने का, इतना बड़ा घटना को अंजाम देने का, हमारी बहनों को टुकड़ों में काटने के बाद भी तल्लीक मात्र भी, लेश मात्र भी पश्चाताप नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप हिंदुओं के ठेकेदार कहे जाते हैं, तो आपका क्या एक्शन रहा इस पर? देखिए, इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया, कार्यक्रम किया। पहले हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान से शुरू किया, पूरे रांची के बहुत सारे क्षेत्रों में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसके बाद कल ही हम लोगों ने बड़ा तालाब में 4 घंटे का जो है जल सत्याग्रह किया अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए। उस जल सत्याग्रह का भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप वीडियो आपको मिल सकता है, आप देखेंगे कि 4 घंटे सैकड़ों
की संख्या में व्यवसायी, सैकड़ों की संख्या में युवाएं, सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग लोग, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पानी में घुटनों तक खड़े रहीं 4 घंटे तक उस कनकन पानी में और जल सत्याग्रह किए। उन दोषियों को करारा जवाब मिले, त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत से तुरंत जेल भेजा जाए। इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि अभी जो बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने वैसी परवरिश नहीं दी, उसे वैसा नहीं रोका, उसके बारे में पता नहीं किया कि हमारी बेटी किससे मिल रही है, उसको ऐसा संस्कार नहीं दिया। देखिए क्या है ना कि ये बात सच्चाई है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते, बहुत आस से भेजते कि हमारी बेटी कलेक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, आईएएस आईपीएस बनेगी, बड़े बड़े पोस्टों में जाएगी और उनकी बेटियाँ वहाँ जा करके भटक जाती हैं, कारण ये है संस्कार की कमी। कारण ये है कि अपनी बेटी को फ़ोन करके ये जरूर पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसा गया, लेकिन अपनी बेटी को फ़ोन करके ये नहीं पूछते हैं कि बेटी क्या तुमने आज हनुमान चालीसा पढ़ा, बेटी आज सोमवार है क्या तुमने व्रत रखा, बेटी आज मंगलवार है क्या तुम बजरंगबली के मंदिर गई थी माथा टेकने। ये संस्कार आवश्यक है। जब तक लोगों को, हमारी बहनों को अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, अपने धर्म से उन लोगों को मिलाएंगे नहीं, अपने धर्म के बारे में बताएंगे नहीं, अपने धर्म की विकरालता, विराटता, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने संस्कार के बारे में उन लोगों को अवगत नहीं कराएंगे, तब तक ये जाहिल लोग, ये मूर्ख लोग, ये जिहादी मानसिकता वाले, लव जिहाद में हमारी बहनों को फंसाने वाले क्रूर राक्षस लोग हमारी बहनों का भोजन करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, उनका बलात्कार और हत्या इसी प्रकार लगातार करते रहेंगे। एकमात्र उपाय है अपनी बहन को शिक्षित करना, अपनी बहन को धर्म के प्रति जागरूक करना, और जो अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देते हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द सजा देना। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि भारत में मात्र 2% ईसाई है, लेकिन उसका त्यौहार 98% हिंदू मनाता है, तो क्या हमारे श्री राम या हमारी लकीर इतनी छोटी है कि हम दूसरे के लकीर पे चले? देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा कि कृष्ण भगवान को सेंटा क्लॉस का ड्रेस पहना देते हैं, मंदिरों में राम भगवान को सेंटा क्लॉस का ड्रेस पहना देते हैं, ऐसा हिंदू लोग करने लगे, मूर्ख लोग हैं वो, हिंदू हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, हिंदुत्व के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अरे 2000 साल पहले आए हुए धर्म के मसीहा को आप इतना बड़ा इज्जत दे दे रहे हैं, हमारा करोड़ों अरबों साल पुराना, जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय से सनातन धर्म चलता आ रहा है, हमारी संस्कृति क्या, हमारा संस्कार क्या, समझने की आवश्यकता है। यह सब ठीक है, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरे धर्म का अगर कोई अपमान करेगा, चाहे वह हिंदू हो कि ना हो, मैं उसके विरोध में जरूर खड़ा रहूंगा। अच्छा जाते जाते एक चीज का और जवाब देते जाइए, पठान फिल्म का बायकॉट हो रहा है, आपको क्या लगता है बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए एक इससे पहले मैं एक और विषय उठाना चाहूँगा पठान फिल्म के बारे में बोलने के पहले, आपने हमारी बहन पल्लवी के बारे में नहीं पूछा, वह भी हमारे हिंदू समाज की अभिन्न अंग थी, उसके साथ भी क्रूरता हुई, उसके साथ भी बहुत ही घृणित कार्य हुआ थे जी, तो मैं उस बहन के साथ भी खड़ा हूँ, हमारी पल्लवी बहन के साथ भी, उसका शोषण करने वाला जो भी व्यक्ति है मैं उसके विरोध में खड़ा हूँ, मैं उसके पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ पल्लवी के, और उसके जो दुष्टात्मा लोग हैं जिन्होंने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है, मैं उसके विरोध में सड़क पर उतरता रहा हूं और आगे भी उतरता रहूंगा। जहां तक अच्छा। बात है आपके पठान फिल्म की, एक सेकंड जब पल्लवी की बात चल पड़ी है तो पल्लवी के बारे में पहले बात करते हैं। उसके पिता और माता दोनों का कहना था, हम गए थे वहाँ रिपोर्टिंग करने, तो कहा गया कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, वो उसका कहना है कि हम हॉस्पिटल में रिम्स में ही वो काम करता है, उसने जब सबको देखा तो चापर होता है, चापर से काटा गया है, जबकि कुछ और मामला इस केस को बनाया जा रहा है, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा चीज़ ये कहना था कि अपराधी जो आरोपी है पीयूष तिवारी, उसकी जब गिरफ्तारी कानपुर से आरा से की गई थी जी। उसके बाद उसको सीधे जेल भेज दिया गया, ना उसे कुछ पूछताछ की गई, और 3-4 लोग और हैं जिनका उन्होंने नाम दिया है लेकिन उनसे पुलिस पूछताछ नहीं की और केस को दबाना। देखिए मैं बता रहा हूँ, पल्लवी हमारी बहन है, मैं उसके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उसका बड़ा भाई, उसके पिता, उसके माता, मैं उसके घर जा करके पल्लवी के पूरे परिवार से मिलता रहा हूँ, लगातार मिलता रहा हूँ, अभी भी मैं संपर्क में हूँ, और पीयूष को सजा दिलाने का कर्तव्य उसके परिवार के साथ साथ हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति का है, मैं भी जिम्मेवारी लिया हूँ और मैंने उसके परिवार को वादा किया है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं उसके परिवार से बहुत नज़दीक हूँ, आज मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताता हूँ, जिस दिन पल्लवी के साथ यह घटना घटी मात्र उससे 15 दिन पहले उसके घर का गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, मैं स्वयं उसके साथ गया था और वो हमको बोली थी कि भाई भैरव भैया मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। आप सोचिए कि 15 दिन पहले जिस बहन के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाया है, 15 दिन के बाद उसी उसके लाश को ले जाकर के इन्हीं हाथों सर मैंने जलवाया उनके परिवार के साथ मिलकर के चुटिया घाट में, मुझे कैसा फील हो रहा होगा, मुझे कैसा लग रहा होगा, मेरे हृदय कितना कचोट रहा होगा, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसको सजा मिलेगी, वो कितनों बड़ा का बाप का औलाद हो और कौन
ये गलत बात है कि प्रशासन सपोर्ट कर देगा, प्रशासन अगर उसका सपोर्ट करेगा तो उस प्रशासन के विरोध में मैं खड़ा रहूंगा। अच्छा, एक चीज आपने ये जवाब देकर हमको कंफ्यूज कर दिया, आपका टाइटल सिंह है यानी कि आप राजपूत या भूमिहार होंगे, लेकिन वो जो लड़की है जिसकी आप हित की बात कर रहे हैं, जिसके लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, वो लड़की दलित है। तो आखिर कहा जाता है कि फॉरवर्ड जो होता है, जनरल कास्ट जो है, वो दलितों का दुश्मन होता है, उसका शोषण किया है। तो आप कैसे साथ खड़े हो रहे हैं? आपका प्रश्न गलत है, आपका प्रश्न गलत है। ये प्रश्न आप जाकर के उसके परिवार से पूछिए, उसके भाई से आप पूछिए कि भैरव सिंह कौन है। भैरव सिंह पल्लवी का भाई है। भैरव सिंह हिंदू के प्रत्येक हिंदू समाज में जन्मने वाले प्रत्येक जाति के प्रत्येक व्यक्ति का भाई है। उसने जाति विशेष पर भी आरोप लगाया था। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, वो आरोप लगा रहा है, जिनके ऊपर आरोप लगाएंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। जो गलत किया है उसको आरोपी बनाना ही चाहिए, कैसे नहीं बनाएंगे आरोपी? जो गलत किया है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसके विरोध में खड़ा रहूंगा। हमारी बहन है और वो पूरा परिवार मेरा अपना परिवार है। आपको कौन बता दिया कि हम राजपूत हैं, कि हम भूमिहार हैं? हम बोलते हैं कि हम डोम हैं, हम बोलते हैं कि हम चमार हैं। नहीं, भैया लोगों के कहने से क्या हो जाता? मैं बोल रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, हम डोम जाति के हैं, तो हम, मेरा जाति हिंदू है और हिंदू समाज पाया जाने वाला हर जाति का हम है। डोम भी हम ही है, चमार भी हम ही है, दुसाद भी हम ही है, हरिजन भी हम ही है, आदिवासी भी हम ही है, ब्राह्मण राजपूत भी हम ही है, हम हिंदू है। तरीके से पल्लवी के परिवार के साथ पूरे नहीं 210 तरीके से मैं उसके परिवार के साथ हूँ, और केवल साथ ही नहीं हूँ, मेरी बहन थी और उसको इंसाफ देना मेरा दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं निभाऊंगा। इसी पर आप लोग थोड़ा ताली बजा दीजिए। जय जय श्री राम। ये एक असली हिंदू की पहचान है। अब हम पठान फिल्म पे आते हैं, पठान फिल्म का बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो भी चीज, जो भी चलचित्र हमारे धर्म का विरोध करे, हमारे धर्म को में अश्लीलता फैलाने का काम करे, मैं उसका विरोध करता हूँ। कारण बता रहा हूँ आपको। देखिए, हिंदू धर्म के द्वारा इन सब फिल्मों को बायकॉट करने के कारण एकमात्र था हमारे धर्म का अपमान। आप देखिए, कोई भी बॉलीवुड का फिल्म उठाकर देख लीजिए, जितना भी गुंडा रहेगा वो टिक्का लगाएगा, ये क्या है? जितना भी बलात्कार करने वाला रहेगा वो दिखाएगा पंडित चोटी रखा हुआ है फिल्म में, क्या है? सुदखोर सब लाला है। हाँ, तो इसी, हाँ, सुदखोर सब लाला है, समझे? गुंडा सब राजपूत या ब्राह्मण है, जितना ईमानदार है वो एक विशेष, और जितना हमारे जातिवादी विषय भी दिखाता है कि हम लोग का धर्म में आपस में पटता नहीं है, हम लोग ऊंच नीच का काम करते हैं। कौन करता है भैया, कौन करता है? हम लोग जब महिला का सम्मान का कार्यक्रम करते हैं, उनके चरण धोते हैं, तो उनकी जाति पूछ के धोते हैं क्या? आज हम लोग महिला सम्मान का कार्यक्रम किए कुछ दिन पहले, उसमें हम लोगों ने पैर धोया तो वो टेम्पो चलाने वाली महिलाएं भी थी, वो नली साफ करने वाली महिलाएं भी थी, वो प्रोफेसर भी थी, वो डॉक्टर भी थी, वो वकील भी थी। हमने जाति पूछ के किसी का चरण नहीं धोया। यह हमारी संस्कृति, यह हमारा संस्कार है, और जो भी हमारे संस्कार को धूमिल करने का प्रयास करेगा, ये शाहरुख खान क्या औकात है उसका जी? 2 रुपया का औकात नहीं था, भीख मांगता था बचपन में, साला थोड़ा सा हम लोग वैल्यू दे दिया हमें, हमारे हिंदू समाज लोग, तो बेटा बहुत बड़ा हीरो बन गया। इन लोग महामूर्ख लोग हैं, केवल धर्म का अपमान करने का काम कर। शाहरुख खान के फैंस का कहना है कि शाहरुख खान के फिल्म का विरोध 2 करोड़ के लोग कर रहे हैं, और शाहरुख खान का घर 500 करोड़ का है और झुग्गी वाले उनका विरोध कर रहे हैं। जो 500 करोड़ का घर बनाया ना, वो भी हम लोग का पॉकेट से पैसा लगा ले। हम लोग जाते थे फिल्म में देखने, वो भीख मांगा है, हम लोग पैसा भीख देखना बंद कर देंगे ना तो उसका औकात खत्म हो जाएगा। 500 करोड़ का बात करता है जी, हम भी उसका बम्बई हम भी घूमने गए थे। हमको ही बोला गया टूरिस्ट वाला, शाहरुख खान का घर दिखाएंगे। मतलब कौन बेवकूफ आदमी है, घर देखा करेंगे साला चोर का? हम सिद्धि विनायक मंदिर के गणेश जी को प्रणाम किए, वहाँ पर एगो समुन्दर का बीच में भी है, समुन्दर का बीच में भी एगो है कोई धर्म का, वहाँ बोला भैया चलिए वहाँ माथा टेकने। मिले हमारे गणेश जी कम कमजोर, बजरंग बली कमजोर रे भाई, हम बजरंग बली पास जाएंगे कि हम फलनवा के पास जाएंगे? वो फलना आदमी लोग पास हम नहीं जाते हैं, हम लोग जय श्री राम वाला आदमी है, समझे? तो उसको फिर से झुग्गी में पहुंचा दीजिएगा। अरे झुग्गी में वो पहुंचबे करेगा, हिंदू समाज आज जागरूक हो चुका है, संगठित हो चुका है, वो जानता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अब हम लोगों ने आतंकवादियों के झोली में भीख डालना बंद कर दिया है, और जो बोलते हैं ना कि टुच्चे लोग कर रहे हैं, उन लोग सबसे बड़ा का टुच्चा उन लोग है, जब देख रहा है कि जिनके जिनके समर्थन करने वाले ही हमारी बहनों का, माताओं बहनों का बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, और वैसे लोगों का अगर आप समर्थन करेंगे, जिन लोग अपना आदर्श किसको मानते हैं, जो लोग हत्या किया है उन लोग से आके पूछे तो उन लोग अपने बोलता है कि हम लोग शाहरुख खान सलमान खान, 2 रुपया का औकात नहीं, साला हम लोग भीख देख कर बड़ा बनाए हैं इन लोगों को।
उन लोग आदर्श नहीं, आदर्श रामचंद्र जी होते हैं। आदर्श हमारा बॉर्डर में खड़ा हुआ वह सैनिक होता है जो -20 डिग्री सेल्सियस में भी सियाचिन बॉर्डर पर खड़ा होकर के दुश्मनों को गोली मारने में 1% नहीं कतराता। इन लोग बेटा हवा में झूठ मुठ के गोली चला रहा है, ये चिल्लर चुन करके करोड़पति हो गया एकदम एकदम। अरे भैया आप ही देखिए ना, आप मूवी देख रहे हैं, एकदम बेस्ती कर रहे हैं, मुंह पे बेस्ती करेंगे, सामने आएगा तो वो तो मेचाई मार देंगे, ऐसा बोलते हैं। हमारा कौन का कर लेगा जी, ऐसा बोलते हैं। सुनिए क्या है ना, अभी जाते हैं फिल्म देखने, 50 रुपए से 200 रुपए तक का टिकट रहता है, वो जो 50 रुपया दे रहे हो क्या है, चिल्लरे ना है, वही 50-50 करके अरबों खरबों हो गया। आप तो चिंदी चोर कह रहे हैं डायरेक्ट। अरे है जी, एकदम चिंदी चोर है, एकदम चिंदी चोर है, कोई औकात नहीं है उसका, कोई अस्तित्व नहीं है। आज अभी हो रहा है बेटा, 50 साल 55 साल हो गया, बूढ़ा गया है, तब वो झूठ मूठ का इंजेक्शन लेकर के जवान दिखता है, समझे। जवान लोग को लीजिए भैया हीरो बनाना है, हमारे फौजी भाइयों को बनाइए, उन युवा डॉक्टर लोग को बनाइए जो सर्दी और ठिठुरते मौसम में। सुशांत सिंह राजपूत पे कुछ बोलिएगा। देखिए सुशांत सिंह राजपूत अच्छा व्यक्ति था, सामाजिक व्यक्ति था, कृष्ण जी का भक्त भी था, उसका सोशल मीडिया में आपको भजन कीर्तन भी देखने को मिल जाएगा यूट्यूब में। शाहरुख खान ने उसका काफी हरासमेंट भी किया एकदम, बहुत सारे देखे जितने भी हिंदू कलाकार हैं जो अपने धर्म के प्रति खास करके समर्पित रहते हैं उनको डराने का प्रयास किया है। सोनू निगम का बात कर लीजिए, आगे वो एप्लीकेशन लिख के दिए कि भैया अजान होता है तो हमको दिक्कत होता है, पूरा विरोध हो गया बेचारा का, फतवा जाहिर हो गया, मोरवा देंगे। हम भी यहाँ पर बोल रहे हैं हमको भी दिक्कत होता है, जरा कर दे फतवा जारी, हम भी हिंदपीढ़ी में रहते हैं ना भैया, कौन कर लेगा। देखिए अरे भैया देखे कमजोरों लोग को दबाता है, औकात है तो हम लोग को दबा के दिखाए, चैलेंज दे रहा है एकदम। सुनिए देखिए सनातनी विरोध में जो आएगा ना उसको खाक में मिलाना ही है, हम लोग सनातनी का ही है कि जो सनातन का विरोध करेगा ना और उसके धर्म से खिलवाड़ करेगा उसको खाक में हम लोग मिला ही देंगे, चाहे कितनों बड़ा का दिग्गज क्यों ना हो। मतलब शाहरुख खान के साथ जितने भी सनातनी विरोधी है, देशद्रोही है, वो लोग को खाक में मिलाना है, इस धरती से हटाना है और इंडिया से भगाना है। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद जय भारत।